बुधवार को प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के नेतृत्व में बकाया मानदेय के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारी संख्या में जिले के प्रेरक नगर निगम पार्क में इकट्ठा होकर बैठक किया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पार्क से रैली निकाली। प्रेरक संघ ने कहा कि यदि हम प्रेरकों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर आंदोलन के साथ जितेंद्र पांडे, गजेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश यादव, उमेंद्र यादव, ब्रजेश यादव, अशोक यादव, जनार्दन मौर्य, मोहन लाल, रुखसाना खातून, संगीता देवी, अंजलि मिश्रा, चंद्रकांत मिश्रा सहित भारी संख्या में प्रेरक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष समन्वयक संघ आनंद कुमार ने कहा, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग हैं, हमारे हित की बात नहीं करेगा, मैं कम है इसलिए अपनी बाड़ी को मैं गुलाम देता हूँ। आप लोग पूरी ताकत के साथ इंकलाब जिंदाबाद, लड़ाई है आगे और लड़ाई है, प्रेरक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेरक समन्वयक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा मानदेय भुगतान चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, प्रेरक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेरक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आनंद कुमार, प्रदेश समन्वयक संघ उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2018 को प्रेरकों की संविदा समाप्त कर दी गई और उनका बकाया भुगतान तक नहीं किया गया। इन सभी समस्याओं के विरोध में आज हम सबको शिक्षक दिवस के दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करना पड़ा है, काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, काला दिवस मनाना पड़ रहा है। जिन्दा बार। जिन्दा बार। जिन्दा बार। जिन्दा बार।